जो बड़ा ही रहम वाला है, निहायत रहम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज का दिन 5 सितंबर यौम असातिज़ा सबको मालूम है और इसकी अहमियत पर बहुत सारी बच्चों ने इजहार ख्याल किया। दरअसल तदरीस या टीचिंग ये परफॉर्मेंस का नाम नहीं है, ये कोई परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है। मैं अकेले में कभी ये सोचता हूं कि मैं बच्चों से क्या मोहब्बत से पेश आता हूं, क्या किसी बच्चे के सर पर कभी शफ़क़त से हाथ फेरा है, कभी किसी के दुख को समझने की कोशिश की है, कभी किसी के दर्द को जाना है, कभी किसी के ताखिर से आने की वजह पूछी है, कभी किसी के गैर हाजिर रहने का जवाब तलाश किया है, कभी किसी को डांटा है तो डांटने के बाद फिर कभी उसको पास बुलाकर उसकी दिलजोई की भी कोशिश की है, और जब स्कूल से छूटकर घर जाता हूं या हम लोग जाते हैं तो जहन में यह ख्याल आता है कि हम तो सरमायादार थे, हम तो मालदार थे, हम तो बादशाह थे और हमारे सामने हमारे बच्चे सब तलबगार थे, तो हमने किसकी किसकी झोली में क्या क्या डाला ये जब सोचते हैं, और रात के किसी पहर में जब 5 मिनट अपने जिंदगी के तमाम मामलों पर गौर करते हैं, और जिस दिन यह एहसास होता है कि आज तो कुछ भी नहीं दिया, बच्चे भूखे रह गए, तालीम से प्यासे रह गए, तो जमीर पर एक बोझ आता है कि जो काम दिया गया था वो काम पूरा नहीं हुआ है और वो होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने दीगर टीचर्स के पास भी तालीम हासिल की, वो भी आपके उस्ताद, आपने मदरसे में तालीम हासिल की, वो भी आपके उस्ताद, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम भी आप आगे तालीम हासिल करेंगे, वो भी आपके उस्ताद हैं, और उस्ताद की अजमत, उस्ताद की बड़ाई बयान करने के लिए अगर हम खुद कहेंगे तो ये होगा कि भाई हम खुद अपनी बड़ाई बयान करना चाह रहे हैं और हम अपना मर्तबा दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप जाएंगे मिसालों में तो आपको लगेगा कि 1 करोड़पति शख्स अपनी कार से गुजर रहा है, 1 करोड़पति शख्स अपनी कार से गुजर रहा है, अचानक वो अपने ड्राइवर को कहता है कि ब्रेक लगा, फुटपाथ पर पैदल जाता हुआ एक बूढ़ा सा शख्स हाथ में थैली लिए बाजार का कुछ सामान लिए जा रहा है, वो करोड़पति शख्स अपनी गाड़ी पार्क करता है और उस बूढ़े शख्स के पास जाता है और उसके हाथों में से वो थैली, वो वजन, वो बोझ उठाकर पैदल उनके घर तक जाकर छोड़ता है, और सारे लोग रास्ते के हैरान है कि इतना करोड़पति शख्स जो है ये क्या कर रहा है, जिसकी थैली उस करोड़पति शख्स ने उठाई थी, जिस गरीब की, वो गरीब और कोई और नहीं था, उस गरीब टीचर ने प्राइमरी में उस करोड़पति शख्स को पढ़ाया था। ये एक उस्ताद का मर्तबा। ऐसे ही उस्तादों के मर्तबे जब आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज जो स्कूल में टीचर डांटते हैं, कभी कोई हल्की फुल्की सी पिटाई भी कर देते हैं, मार भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, इसमें टीचर की तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं होगा। वो पिटाई करेगा तो भी इजाफा नहीं होगा, मशवरा देगा तो भी इजाफा नहीं होगा, नहीं देगा तो भी कमी नहीं होगी, लेकिन ये उसका फर्ज है, ये उसकी अदायगी है।
और ये अदायगी उसको करना है। अभी कुछ ही दिनों पहले एक बहुत बेहतरीन वीडियो मैंने देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि एक कलेक्टर, जुनूब का एक कलेक्टर, साउथ का एक कलेक्टर, कलेक्टर बनने के बाद उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे मेरी टीचर से मिलना है, और पूरा कलेक्टर का जो ताम झाम के साथ सब वहां कार्य लेकर पहुंचे और कलेक्टर साहब भी वहां पर पहुंचे तो टीचर तो बेचारी बूढ़ी हो चुकी थी टीचर ने लेकिन पहचाना। तो कलेक्टर ने क्या किया पता है? कलेक्टर ने गुजारिश की और एक साथ में छड़ी लेकर गए थे और वो छड़ी अपनी टीचर के हाथ में थी और कहा कि मैडम आपने कभी मुझको छड़ी लगाई थी, मैं आज चाहूंगा कि आज मुझे फिर आप छड़ी लगाएं। और ऐसा हाथ किया तो टीचर आमादा नहीं हो रही थी, उन्होंने बहुत जिद की तो हल्की सी छड़ी टीचर को जब लगाई उस कलेक्टर को तो कलेक्टर मानो सुरूर से झूम उठे। ये होता है उस्ताद का दर्जा। हम बहसियत टीचर, बहसियत असातिज़ा, हम खुद अपने आप पर गौर करते हैं, सोचते हैं कि हमको क्या देना है, हमने क्या दिया है, हमने क्या देना चाहिए था, हमने क्या पढ़ना चाहिए था, क्या जो पढ़ना चाहिए था वो पढ़ा, क्या जो देना चाहिए था वो दिया। अगर एक टीचर आपके सामने आए और आप हाथ बांध कर नजरें नीचे करके उसके सामने खड़े हो जाएं तो समझ लीजिए कि उस टीचर ने आपकी शख्सियत पर असर डाला है। और अगर कोई टीचर आपके सामने खड़े आकर हो जाए और उसके सामने आप किसी दोस्त के गले में हाथ डालकर खड़े हैं या टीचर से बिल्कुल बेनियाजी से बात कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, इंतहाई बेतकल्लुफी के साथ बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस टीचर ने आपकी शख्सियत पर निगेटिव असर डाला। और यह निगेटिव असर कुछ दिनों तक आपको पॉजिटिव लगेगा लेकिन जब आप अपनी असली जिंदगी में जाएंगे और जब आप सोचेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उस जमाने में जो चीज आपको अच्छी लगती थी दरअसल वो बुरी थी और जो बुरी चीज आपको लगती थी दरअसल वही अच्छी थी। प्यारे बच्चों, कलेक्टर बनने की, डीएसपी बनने की, आला ओहदेदार बनने की तो सभी ख्वाहिश करते हैं लेकिन अज़्म कीजिए कि आप इसमें से ज्यादा बच्चे बेहतरीन और मेहनती और धुनी टीचर बनेंगे। ऐसा टीचर जिसको एपीजे अब्दुल कलाम भी याद करते हैं, ऐसा टीचर जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन भी याद करते हैं, ऐसा टीचर जिसको थॉमस अल्वा एडिसन भी याद करता है, और ऐसा टीचर जिसको अमेरिका का सदर अब्राहम लंकन भी याद करता है। ऐसा टीचर बनने की ख्वाहिश अगर दिल में लेंगे और उसके लिए आप मेहनत करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे, अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे और इसको पेशा नहीं ये तो एक मिशन है। एक बच्ची ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं, कितना बड़ा रुतबा है। लेकिन अगर कोई मुअल्लिम अपनी करतूतों से, अपनी काम चोरी से, अपने कम नॉलेज से अपने बच्चों की गलत तरबियत का, अपने बच्चों के नुकसान का बाइस बनता है तो वो दुनिया में तो बहुत कमा लेगा लेकिन आखिरत में वो कितना कमाएगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसलिए हम सब, मैं मेरे साथी यहां पर अज़्म करते हैं कि इतने साल बरसों हो गए, मेरा तो ये स्कूल में ये आखिरी टीचर्स डे का प्रोग्राम है ना, लेकिन फिर भी दिल में दुआ है कि अल्लाह ताला तदरीस की मेरा नौकरी से रिश्ता खत्म हो लेकिन आखिरी सांसों तक तालीम और तरबियत, तदरीस ये फरीजा मेरे दिल में रहे और मुख्तलिफ सूरतों में इसके अंजाम दही हम करते हैं। क्योंकि एक टीचर रिटायर हो सकता है, सुबुकदोश हो सकता है हुकूमत की नजर में, लेकिन अल्लाह ताला की नजर में और जो हमारा फलसफा इस्लाम का बयान किया
गया है उसकी नजर में कोई भी मोमिन किसी भी जिम्मेदारी से कभी रिटायर या सुखदोष नहीं हो सकता।